हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यानी कि ये फ्रैक्शंस दे रखी हैं आपको, इनको आपको वैल्यूज दे रखी हैं परसेंटेज में, उनको फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में आपको चेंज करना है। और नोट योर क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये, 25% देखा था, परसेंटेज का जब भी साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लगा लेंगे, तो 1/100 लिख दिया। 25 से ये कैंसिल करेंगे, 4 × 1/4, दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस परसेंटेज। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे इसके 1/100 लगा के इससे मल्टीप्लाई करके, नीचे 2 0 हैं तो पीछे तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेंगे। सिमिलरली आप 125 को भी ऐसे ही 1/100 करके कैंसिल करके 5/4 आ जाएगा, दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म। और इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, नीचे 2 0 तो पीछे 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लेंगे। सिमिलरली आप इसको भी पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अब इसको नोट करने के बाद 1/100 कर लिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500, तो दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म। और 21/5 × 1/100 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21/5 ही ये नोट कर लेंगे, और इससे पहले डेसिमल में चेंज करेंगे तो 4.2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से, तो 4.2/100 हो जाएगा, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.042 आ जाएगा। 0.25% ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 × 1/100 लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे ना पीछे 2 0 और बढ़ जाएंगे, और 25 से ये कैंसिल करेंगे 400 times जाएगा 1/400, दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसको क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, और नीचे 2 0 तो पीछे 2 0 और डिजिट इधर जाए, जैसे डेसिमल जाए तो 2 डिजिट और इधर आ जाएगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल इनटू परसेंटेज। यानी कि इनको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है और डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है ना। नोट द क्वेश्चन बाई योर सेल्फ। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3/8 है, इसको परसेंटेज में जब भी किसी नंबर को चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया तो 25 times होगा, ये 2 times, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/2 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन, ये दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म होगा। इसका डेसिमल फॉर्म देना है, देखना है तो इसका इसमें डिवाइड लगा देंगे, ये मिलेगा आपको 37.5%। अब आपको सिमिलरली आपको ये भी ऐसे ही करना है, तो 1/16 अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे आप कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ये कैंसिल कर देंगे, 4 से ये कैंसिल कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25/4%, और ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई और ये डेसिमल फॉर्म होगी इसका डिवाइड इसमें लगाने के बाद। इसी प्रकार पहले इसको आप क्या करेंगे कि डी वाले क्वेश्चन को इसको इसमें कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, ये 25 times, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 125%, इसकी यही मिलेगी और यही डेसिमल और यही फ्रैक्शन फॉर्म है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 सपोज कर लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है कि इसे डायरेक्टली हमें कैसे में चेंज करना है कि परसेंटेज में, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100%, ठीक है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 हो गया, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दिया, दिस इज़ द फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो भी आप मानना चाहें। अब क्वेश्चन नंबर सी एंड डी का आपको, जो सी एंड डी आपको अपने आप करना है। स्टूडेंट, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 20% ऑफ ₹1250। यानी कि आपको इसमें भी किलोमीटर है तो इसको मीटर में भी चेंज करके कर सकते हैं, इसको ग्राम में चेंज करके कर सकते हैं, ये लीटर में है तो इसे मिली लीटर में भी चेंज करके कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ए ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 20% ऑफ ₹1250, तो आप ऑफ की जगह इनटू और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। अब ये 0 से ये 0, ये वाले 0 से ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 250 का, वो 125 का 2 से, तो यू विल गेट 250, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसका आप 20% निकालेंगे तो आपको 250 मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑफ बी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 18% ऑफ 990 किलोमीटर।
आप इसमें परसेंट इनटू का साइन लगाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे जीरो से जीरो। अब आपके पास कितना बचा, 10 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 9.9 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 172.2 किलोमीटर, यानी इस 999 का 18% जो है 175.2 किलोमीटर होगा। 12% ऑफ 1.512 केजी, यानी इसको आपको को इसका आपको 12% बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको चेंज कर लेंगे ग्राम में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इससे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आपने क्या करा, परसेंटेज हटाया, नीचे 100 लगा दिया, यहाँ इनटू लग गया, ये यहाँ आ गया, ये ग्राम में चेंज कर रहे थे, दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गए। अब इन सबों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.440, यानी 181.440। जी जीरो आया से हटा दीजिए तो ये ग्राम में चेंज हो गया आपके पास और इसकी 12% आ गया ना। क्वेश्चन नंबर डी, 8% ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर को आप चाहो तो लीटर में रहने दो, चाहो तो मिलीलीटर में चेंज कर सकते हो। ऑफ की जगह इनटू और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, और 20 को हम जो है 4 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 4 × 2 = 8, 2/5, इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे, यू विल गेट 0.4 लीटर। दिस इज द 8% ऑफ 5 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। ये पूछा गया कि किस नंबर का 12% 144 के इक्वल है, तो वो नंबर हमने पता नहीं है, तो हमने सपोज एक्स कर लिया इसमें, ठीक है ना, ये एक्स करके दिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सबों में आपको। तो आपको ओनली 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के सेल्व करने हैं, अपने आप सेल्व करने हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4A, 12% ऑफ एक्स इज 144, तो 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 144। अब परसेंटेज का साइन आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, 100 नीचे लग जाएगा। अब इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा नेक्स्ट वाले स्टेप में, और 12 मल्टीप्लाई में जा रहा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसका डिवाइड अब इसमें लगाएंगे आप 12 का, तो आपको क्या मिलेगा, 12 का 12 में 144 में डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट 12, और 12 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1200। दिस इज़ द वह ओरिजिनल नंबर है, एक्स की वैल्यू है, यानी कि 1200 का 12% 144 था। नाउ द प्रॉब्लम नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 3.5 परसेंटेज में लगाना भूल गया हूँ, परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 287। अब आपके पास 3.5 आपने नोट करा, ऑफ की जगह इन टू एक्स आ गया। अब ये आपने क्या करा कि नीचे 100 पैसे पहले लगाया क्योंकि परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहे थे। अब आप ये डेसिमल हटा रहे हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1000 यहाँ आ जाएगा, 35 यहाँ आ जाएगा। 35 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 287 को, 41 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा। अब 41 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बस 8200 आएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको जो एक्स की वैल्यू मांग रही थी, यानी 8200 का 3.5% जो है कितना होगा, 287। तो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, सी एंड डी, डू योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइस ऑफ डीजल इज ₹55 पर लीटर। इफ इट्स प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाई 15%, देन वॉट इज द न्यू प्राइस ऑफ डीजल पर लीटर। यानी कि डीजल की जो प्राइस है एक लीटर की 55 रुपीज़ है, यदि उसका प्राइस 15% इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो नया प्राइस होगा वो कितना होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, प्राइस ऑफ 1 लीटर पर डीजल जो है ₹55 है, इंक्रीज्ड प्राइस 15%, ठीक है ना। अब न्यू प्राइस कितना होगा 1 लीटर डीजल का, 55 + 55 × 15%, यानी 55 का ही तो 15% बढ़ा था, परसेंटेज आएंगे तो 100 लग जाएगा। अब 5 से ये कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, अब 20 को हम किससे कैंसिल करेंगे, 5 से 4 टाइम, और 55 को 5 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स, तो 33/4।
अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे या इसको डिवाइड लगा देंगे, यू विल गेट 8.25। अब आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे 63.25। दिस इज़ द न्यूज प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल।